हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, कॉलेज परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला आ गया है। आपके प्रमोशन को लेकर यूजीसी ने एक बड़ा बयान जारी किया है और उन्होंने ऑफिशियल न्यूज भी जारी किया है। साथ ही साथ एमएचआरडी का बड़ा फैसला है और सबसे आम जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है, पिछला सेमेस्टर बनेगा पास करने का आधार। आइए पूरी जानकारी को पढ़ लेते हैं कुछ ही मिनटों के में। यहाँ पे पढ़िए पूरी जानकारी को। यूजीसी का एग्जाम अपडेट, परीक्षा संभव नहीं इसलिए पिछला सेमेस्टर बनेगा पास करने का आधार। परीक्षा समय 2 घंटे को करने का सलाह दी गई है, यदि परीक्षा होती भी है तो। इन्होंने साफ साफ क्या है यहाँ पे देख लीजिए। कोरोना समय महामारी के कारण परीक्षा को आयोजित करने में विश्वविद्यालयों को परेशानियों को देखते हुए यूजीसी ने आखिरकार फैसला ले लिया है। यूजीसी ने घोषणा की कोविड-19 के कारण परीक्षा आयोजित करने में कठिनाई का सामना करने वाले विश्वविद्यालयों को पिछले सेमेस्टर के आधार पर यानी कि आंतरिक मूल्यांकन और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें छात्रों को ग्रेड दिया जाए, उन्हें मार्क्स दिए जाएँ। आइए पूरी जानकारी को पढ़ लेते हैं। लंबे समय विचार विमर्श के बाद आखिरकार अंतिम दिशा निर्देशों में उच्च शिक्षा क्षेत्र में नियामक ने प्रावधान किया कि यदि पिछले सेमेस्टर का परिणाम उपलब्ध नहीं है तो वो पहले वर्ष के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 100% मूल्यांकन किया जा सकता है। इंटरनल असेसमेंट मूल्यांकन में प्रारंभिक ग्रेड मिड सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन का छात्र या छात्र को प्रमोट करने की कुछ भी नाम दिया जा सकता है, यानी कि कुछ भी नाम दिया जाए आपको प्रमोट करने के लिए। और यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिशा निर्देशों को जोर देते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। आइए पूरी जानकारी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मिनिस्टर साहब हैं जो फैसला ले रहे हैं कि प्रमोशन की दिया जाए या नहीं। आइए पूरी जानकारी को पढ़ लेते हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा कि कम समय में अवधि में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैकल्पिक और सरलीकृत तरीके और परीक्षा के तरीकों को अपनाएं, जिससे कि वक्त की बचत हो सके। और विश्वविद्यालयों ने 2-3 से 2 घंटे तक समय को कम करके परीक्षाओं को कुशल और नए तरीके अपनाने की सलाह दी है। नियामक में भी सुविधा दी गई है, जो छात्र अपने ग्रेड में सुधार यानी कि जो बाद में अपना अंक जो है सुधार करना चाहते हैं प्रमोशन के बाद भी वो परीक्षा दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है, ऐसे में जब भी परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं उन्हें अवसर दिए जाने की अनुमति देनी चाहिए। और साथ ही साथ एक शिकायत निवारण तंत्र भी यानी कि हेल्पलाइन नंबर भी आपके लिए तैयार किया गया है, आपसे कोई भी शिकायत हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं विश्वविद्यालय और आंतरिक मूल्यांकन के पैटर्न के आधार पर छात्रों को 50% तक अंक दे सकते हैं, यानी कि अपने मन से दे सकते हैं। और शेष परीक्षा शेष जो है 50% अंक जो है वह प्रमोशन के हिसाब से पिछले सेमेस्टर के हिसाब से दें। यहाँ पे सबसे अहम जानकारी निकल के आ रही है, इस जानकारी को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि विश्वविद्यालय स्वाइप एवं अन्य मीटिंग ऐप के माध्यम से प्रैक्टिकल एग्जाम व वाइवा आयोजित करते हैं, यानी कि ऐप के माध्यम से मोबाइल ऐप के माध्यम से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा कि आगामी परीक्षा सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्जाम भी आयोजित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं। यूजीसी ने एम फिल या पीएचडी के छात्रों के लिए 6 महीने की अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है। अब यहाँ पे सबसे आम जानकारी निकल के आ रही है, सितंबर में नया सत्र शुरू होगा। और यहाँ पे और वहीं पे द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए नया शैक्षिक सत्र 1 अगस्त से शुरू हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि नया शैक्षिक सत्र प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 1 सितंबर से शुरू हो पाएगा, जबकि द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए नया शैक्षिक सत्र 1 अगस्त से शुरू हो पाएगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको सूचित कर सकूँ। आप कन्फर्म रहिए कि आपका प्रमोशन हो पाएगा, जरूर कन्फर्म होगा, प्रमोशन होगा।